हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास एलेवंथ का चैप्टर नंबर ट्वेल्व जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये पार्ट फोर वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन तो अब जिन्होंने पार्ट वन टू थ्री वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले देख के आई है बिकॉज़ ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन डायरेक्टली समझ नहीं आएगा आपको पहले ग्लाइकॉलिस पढ़ना होगा फिर आपको पढ़ना होगा एनरोबिक रेस्पिरेशन की आप ताकि कंपेरेटिव स्टडी कर पाओ उसके बाद में स्टार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम पढ़ रहे थे सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो सेल्युलर रेस्पिरेशन मतलब बेसिकली सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज ए बेसिकली दिस इज वॉट सेल्यूलर रेस्पिशन मीन्स अब सेल्यूलर रेस्परिएशन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकॉलिस का क्या मतलब है हम करेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो आफ्टर ग्लाइकॉलिस क्या हो गया था ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज होता है वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है इंटू टू पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल टू पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल इसमें कितने कार्बन होते हैं सिक्स कार्बन और इधर कितने कार्बन होते हैं थ्री कार्बन तो ग्लाइकॉल आपको ये देखने को मिला था अब जो होता है, acid, याद आ रहा है उसके तीन फ्यूचर हो सकते हैं आइदर दिस एसिड में एंटर इन टू एनारोबिक साइकिल एनारोबिक तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं इसको हम लोग फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेशन बी ऑफ टू टाइम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन ठीक है समझ में आगे कहानी तो हम ये वाला सेक्शन पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं तो लैक्टिक एसिड का पहला फेट सॉरी पायरोविक एसिड का पहला फेट हो जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दूसरा हो जाता है एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन तीसरा फेट होता है पायरोविक एसिड का एरोबिक रेस्पिशन जो तीसरा फेट है तीसरी साइकिल जिसमें पायरोविक एसिड एंटर कर सकता है वो क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन तो फर्मेंटेशन हम कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो इन पार्ट थ्री वीडियो नाउ इट्स पार्ट पार्ट फोर वीडियो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन तो तैयार है सब लोग पढ़ने के लिए कोई डरेगा नहीं आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी तो ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर हो गई वो क्या प्रोडक्ट जो क्या रिएक्टेंट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करने वाला है द रिएक्टेंट इज पाइरोविक एसिड विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरोविक एसिड जो है वो यहाँ रिएक्टेंट है जो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करने वाला है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड एंड पायरोविक एसिड कितने कार्बन का बना हुआ है ये तीन कार्बन से बनने वाला एक एसिड है इतनी बातें हमको ऑलरेडी पता है अब आपको पता है आपको स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज को तोड़ना है एक बार भी नहीं तोड़ा पहले आपने ग्लूकोज को तोड़ दिया तीन तीन कार्बन में अब इस तीन कार्बन के मॉलिक्यूल को भी हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे बिकॉज आप जानते हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को तोड़ते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है और इस पूरी प्रोसेस का मोटिव ही यही है कि हमें एनर्जी मिलनी चाहिए तो इसीलिए अब हम पायरोविक एसिड का स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे क्या करेंगे ऑक्सीडेशन तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन अभी तक आपने ग्लाइकोलिस पढ़ा तो देयर यू हैव स्टडीड पार्शियल ऑक्सीडेशन आपने फर्मेंटेशन पढ़ा तो वहाँ भी इट वॉज पार्शियल ऑक्सीडेशन बट एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी तो क्या दो इंपॉर्टेंट बातें होगी रेस्पिरेशन के लिए नंबर वन इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन कंप्लीट ब्रेक डाउन अब पार्शियल नहीं है कम्प्लीट ब्रेकडाउन है एंड सेकेंडली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अगर आपको एरोब वर्ड का मतलब पता है वॉट इज एरोबिक तो ये वाली बात तो भाई बहुत ही ईजी हो गई याद रखने के लिए कि अगर एरोबिक है तो मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए होगी क्लियर पॉइंट ओके नाउ इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था बताओ जल्दी से ग्लाइकॉलिस होता है साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर ही चल रहा है सब कुछ क्योंकि हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं अगर ये सेल है ये सेल है ये तो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है अगर मैं बोलूँ एक सेल है और सेल के अंदर ऐसे कई सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है ये गोल्गी बॉडीज होती हैं तो यहाँ ये वाइट वाइट साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट जो पायरोविक एसिड होता है वो भी बनता है साइटोप्लाज्म में बट एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है उसकी साइट कहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया तो इस बात से एक और बात समझ आई की मतलब कि जो पायरबिक एसिड साइटोप्लाज्मा में बना है उसको उठा के ट्रांसफर करना होगा उसको उठ के जाना पड़ेगा किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर दिस द पायरोट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिस साइटोप्लाज्म इन टू द माइटोकिया तो पायरुविट सिंथेसाइज़ कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होकर उसे कहाँ भेजना पड़ता है हमको हमको उसको भेजना पड़ता है इन द माइटो कॉन्ड्रिया एम आई क्लियर टू यू ओके तो ये कहानी तो समझ में आ गई कि एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहली बात तो क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रिएक्टेंट कौन है जो जाके आगे काम करने वाला है द रिएक्टेंट इज इज एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट एसिड एंड एसिड बनता साइटोप्लाज्म में है लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए हमें इस पायरोविक एसिड को साइटोप्लाज्म से उठाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना पड़ता है हमें नहीं बॉडी के पास ये मैकेनिज्म है नाउ क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वॉट आर द मेन ईवेंट्स दैट अकर इन एरो रेस्पिरीशन क्या क्या चीज़ें होंगी तो मैं अगर आपको लाइन से तीन वर्ड्स आपको याद कराऊँ तो सबसे पहले आप याद कर लो सबसे पहले एरोबिक साइकिल में होता है लिंक रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बॉक्सीन ऑक्सीडेटिव डॉबोक्सीशन फर्स्ट स्टेप जो होगी आपको हम पढ़ाएंगे दैट इज लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डी याद हो गया सबको ठीक है सेकेंड चीज जो होगी वो होगी टी सी ए साइकिल टी सी ए साइकिल और क्रेब्स साइकिल टी सी ए साइकिल और क्रेब्स साइकिल एंड जो लास्ट इवेंट होगा वो होगा ई टी एस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो थ्री इवेंट विल अकर इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और इसी सीरीज में होंगे आप पहले बोल के लास्ट में लिंक रिएक्शन बोलो तो ऐसा नहीं चलेगा सबसे पहले लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा सेकेंड नंबर पे क्या होगा साइकिल और क्रेब साइकिल और लास्टली होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब इन इवेंट को मिलाकर अल्टीमेटली करना क्या है तो वो देखो क्या लिखा है हमारे दो एम है करवा करने के लिए नंबर वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेन पहली चीज तो हमें कर ही इसलिए हो ही इसलिए रहा है रेस्पिरेशन बिकॉज वी हैव टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज दिस पायरोविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम

अब पायरोविक एसिड का ब्रेक डाउन करेंगे उसमें से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे आपको पता है चाहे कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो उसका जनरल फार्मूला ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला उसका जनरल फार्मूला तो मतलब कि पायरोविक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है उसमें भी हाइड्रोजन रहे होंगे तो पहला मोटिव पहला एम हमारा पहला टारगेट क्या है कि हमें पायरोविक एसिड से स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालना है एक एक हाइड्रोजन निकालना है हाइड्रोजन एटम एक्चुअली एक एक निकालना है और अब जब एक एक करके हाइड्रोजन एटम निकलेंगे तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा तो इस प्रोसीजर को हमें परफॉर्म करना है अभी इसका मकसद क्या है ये मैंने नहीं बताया अभी मैंने सिर्फ इतना बोला आपको एक एक करके हाइड्रोजन आइटम रिमूव करना है ये प्रोसेस कहाँ होगी दिस प्रोसेस विल अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोलने से काम नहीं चलेगा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई दैट प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया तो अगर मैं पूछती हूँ लिंक रिएक्शन डी कार्बोक्सेशन और टीसी साइकिल द फर्स्ट टू स्टेप्स जिसमें क्या होता है जिसमें मेनली हम क्या करते हैं फायरोविक एसिड से स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन आइटम का रिमूवल करते हैं और बच क्या जाता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वहां बच जाता है प्रोसेस कहां होता है दिस प्रोसेस अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है दिस प्रोसेस अकर इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ओके एंड नाउ सेकेंड क्या है हमारा टारगेट सेकेंड टारगेट क्या है देख लेते हैं सेकेंड टारगेट क्या है सेकेंड टारगेट इज सेकेंड टारगेट इज पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन आइटम टू मोलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस इंथेिस ऑफ ए टी पी अब क्या होगा कि पहले वाले स्टेप में आपने देखा कि हाइड्रोजन आइटम का रिमूवल हो रहा है टू मेंटेन न्यूट्रेलिटी अगर हाइड्रोजन आइटम हट रहे हैं तो न्यूट्रेलिटी को मेनटेन करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो जाते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग 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 कॉम्प्लेक्सेस के पास ट्रैवल करते हैं और फाइनली पहुंचते हैं इस ऑक्सीजन के पास किसके पास पहुंचते हैं फाइनली ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन के पास पहुँच ये ए का सिंथेसिस कर लेते हैं किसका सिंथेसिस हो जाता है उस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस किसका सिंथेसिस हो जाता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी अकर्स एंड दिस सेकंड प्रोसेस सेकंड प्रोसेस दिस प्रोसेस इज रेफर टू एस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर देती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ई टी सी एंड दिस ई टी सी अकर वेयर इट अकर्स इन द इनर मेमब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अब जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो उसको मैं समझा देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें दो मेम्बरेन होती हैं आउटर मेमब्रेन एंड द इनर मेमब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड्स के फॉर्म में होती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी द इनर फोल्ड्स इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स जिस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं तो अब आप मुझे बताओ व्हाट आर द टू मेजर अप्रोच ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दो मेन चीजें क्या हो रही हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आपको ये याद हो गया तो आगे की कहानी तो बहुत ही सिंपल हो जाएगी बहुत 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 सिंपल इस वीडियो के लिए भी और इसके बाद वाली वीडियो के लिए भी चलो देख लेते हैं मैंने आपको याद कराया तीन स्टेप्स के नाम सबसे पहले क्या याद करा है मैंने आपको याद कराया लिंक रिएक्शन और या फिर ऑक्सीडेटिव डिकाबॉक्सीशन फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या याद कराई मैंने आपको टी सी ए साइकिल और क्रैप साइकिल एंड थर्ड डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ई टी सी नाव पहली दो स्टेप्स की बात करें तो वो कहाँ होती हैं जल्दी बोलो पहली दो स्टेप्स की बात करें तो वो ये व्हाइट वाले पार्ट मैट्रिक्स ऑफ़ द मैट्रिक्सोकॉन्ड्रिया में होती हैं क्या होता है इन दोनों स्टेप्स में एसिड से स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन आइटम को हटाते हैं और बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट नोन एज लिंक रिएक्शन टीसीए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द वाइट पार्ट और सेकेंड स्टेप में क्या होता है सेकेंड स्टेप में आप जितने हाइड्रोजन हटे उतने साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स का भी रिमूवल होता है और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे किसके पास चले जाते हैं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं है। और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में जैसे वो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ए का सिंथेसिस हो जाता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दिस प्रोसेस अकर इन इनर मेम्ब्रेन ये जो फोल्डेड क्रिस्टी की मेम्ब्रेन है यहाँ पे इनर मेमब्रेन ऑफ पे ये प्रोसेस होती है तो अब इस पूरे इस पूरी इन बात पूरी बातों का मोटिव क्या था इन पूरी बातों का मोटिव ये था कि जो फर्स्ट टू प्रोसेस हैं लिंक रिएक्शन एंड द टी टी सी ए साइकिल वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो उसके बाद वाला टॉपिक है उसके बाद वाला जो स्टेप है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो क्लियर समझ में आ गई कहानी तो अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं बताओ जल्दी 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 जल्दी, जल्दी बताओ ये देखो कितना अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया बना है जो इनर मेम्ब्रेन है ब्लू कलर की उसके अंदर वहाँ पे होगा कौन सा सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो अंदर मैट्रिक्स है अंदर मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है उसमें होता है लिंक रिएक्शन एंड द क्रेप साइकिल समझ आ गई कहानी ओके चले आगे तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले लिंक रिएक्शन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लिंक रिएक्शन लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डिकारबोक्सीशन दोनों का मतलब एक ही है लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डिकारबॉक्सीशन अब अगेन कहानी स्टार्ट हो रही है जिसको कहानी जल्दी याद होती है उसको ये चैप्टर जल्दी याद हो जाएगा जिसको कहानियाँ ही नहीं याद होती उसको ये चैप्टर याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी थी अब सुनो सुन लो अब जो बढ़ाया अभी तक नहीं समझा चलो भूल जाओ अब ये समझो अभी तक इतनी कहानियाँ आप जानते हो कि ग्लाइकॉलिस की प्रोसेस हो चुकी थी ग्लूकोज टूट के पायरोविक एसिड बन चुका था अब होने जा रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन तो ग्लाइकोलिसिस में पायरोविक एसिड बन गया ठीक है अब जो सेकेंड स्टेप होगी आफ्टर ग्लाइकोलिसिस दैट विल बी लिंक रिएक्शन क्या होगा लिंक रिएक्शन में लिंक रिएक्शन में ये जो पायरोविक एसिड है पायरोविक एसिड ये कहाँ प्रेजेंट था पायरोविक एसिड दिस पायरोविक एसिड वाज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म क्योंकि ये तो साइटोप्लाज्म में बना था साइटोप्लाज्म में था सबसे पहले चीज साइटोप्लाज्म से उठ के ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ट्रिया में फर्स्ट स्टेप जो होगी लिंक रिएक्शन में वो ये होगा ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और आ जाएगा आ जाएगा पायरोविक एसिड पायरोविक एसिड अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के बाद जो पायरोविक एसिड होता है इट कम्बाइन विद किसके साथ में कंबाइन होता है इट कंबाइन विद को ए एंड एन ए डी प्लस इट कम्बाइन विद को डी प्लस द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरोवेट डिहाइड्रोजनेस एंड मैग्नीशियम आयन एंड इट फॉर्म्स एसीटाइल को इंजाइम ए इट फॉर्म्स एसिटाइल को एंजाइम ए एंड रिलीज वन कार्बन डाइऑक्साइड तो पायरोविक एसिड तीन कार्बन का एक एसिड था वो आया साइटोप्लाज्म से किसके अंदर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आया वहां पर आके को एंजाइम ए के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया बना लिया एसिटाइल को एंजाइम ए और एक कार्बन डाइऑक्साइड उसने हटा दिया मतलब कि एसिटाइल को ए कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होगा इट विल बी अ टू कार्बन मॉलिक्यूल अब एक सीओ टू रिमूव हो गया विथ रिमूवल ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड समझ आए कहानी अब इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सीओ टू का रिमूवल हुआ है ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है

हाँ तो क्या चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए टोटली वहाँ पे कोन्जाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज एन ए डी प्लस एंड को एनजाइम ए अब क्या होता है एन ए डी प्लस एंड को एनजाइम ए जब रिएक्ट करते हैं एन ए डी प्लस को एनजाइम ए और उसके साथ में पायरोविक एसिड कम्बाइन हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू एन डी एच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड अब यहाँ पे ये सब तो उन्होंने स्किप किया कि क्या हो जाता है ये जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इन द चार्ट तो आपको याद रखना है लिंक रिएक्शन ऑक्सीडेटेड डिकाबॉक्सीटन में सीधे सीधे पायरोविक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल को एनजाइम ए दिस इज अ डिकाबॉक्सीशन प्रोसेस मतलब यहाँ पे एक सी ओ टू का रिमूवल होता है ओके okay? और साथ ही साथ में दो कार्बन वाला एसिडाइल को प्रोड्यूस होता है अब याद क्या रखना है देखो पायरोविक एसिड हमेशा हमारे पास दो मॉलिक्यूल है तो एसीडाइल को भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना आपको दो मॉलिक्यूल के लिए याद रखना है तो यहाँ पे दो पायरोविक एसिड है तो यहाँ पे भी हमारे पास दो एसिटाइल को प्रोड्यूस होंगे इन दिस प्रोसेस

तो भैया अगर आपको याद आ रहा हो जो पहली दो स्टेप्स थी लिंक रिएक्शन जो हमने पढ़ ली और सेकेंड द टी सी ए साइकिल और द क्रैप साइकिल इन दोनों स्टेप्स का मोटिव क्या था पर्पज़ क्या था इन दोनों स्टेप्स का इन दोनों स्टेप्स का पर्पस ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप पायरुविक एसिड से धीरे 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 करके हम लोग क्या रिमूव करें हम उसे हाइड्रोजन रिमूव करते जाएं और उसका ऑक्सीडेशन करते जाएं ये हमारा अल्टीमेटली मोटिव था समझ में आ गई कहानी तो हमने पहली स्टेप पढ़ ली है दैट इज लिंक रिएक्शन

यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है तो नाउ लेट्स बिगिन विद टी सी ए साइकिल और द्रैब साइकिल बड़ा ही डरावना लगता है आपको ये पढ़ने में लेकिन बहुत आसान है यार बहुत आसान मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है सच्ची कह रही हूँ चलो देख लेते हैं क्या होता है टी सी ए टी सी ए का फिलफॉर्म क्या है ट्राई का बोक्सलिक एसिड साइकिल और द क्रेब्स साइकिल तो क्रैप साइकिल क्यों बोलते हैं बिकॉज साइंटिस्ट थे क्रैप जिन्होंने डिस्कवर किया था ओके क्रैप साइकिल और द सिट्रिक एसिड साइकिल हाँ भैया सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं सिट्रिक एसिड बिकॉज जो ट्राई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है द ट्राई इट इज कार्बोक्सिलो नोन एज सिट्रिक एसिड द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड सो इट वॉज फर्स्ट एलुसिडेटेड बाई हैंब ने डिस्कवर करी थी द क्रैप साइकिल दैट इज बाय इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्रैप साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं भाई क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा इट वॉज सिट्रिक एसिड और ट्राइकाबॉक्सलिक एसिड अगर आप केमिकल नेम बोलो, बोलो तो इट इज ट्राइकाबॉक्सलिक एसिड और कॉमन नेम बोलो तो इट इज सिट्रिक एसिड तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज टी सी ए और सिट्रिक एसिड और क्रैप साइकिल नाउ वॉट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ ऑफ टी सी ए या फिर क्रैप साइकिल सबसे पहले क्या होता है एसिटाइल को किया ये देखो दिख रहा है एसिटाइल कोजाइम ए ये जो ऊपर स्टेप थी वो क्या है रिएक्शन वो हो चुका है अब इस प्रोसेस में एसिटाइल को जो कि दो कार्बन का कंपाउंड होता है वो यहाँ पे एंटर करेगा और इट विल कम्बाइंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इट विल कम्बाइंड विथ ऑक्लो एसिटिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है पहले से प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाइटो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया नॉट साइटोप्लाज्मिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से प्रेजेंट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कौन सा एसिड प्रेजेंट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसेट विच इज ऑफ फोर कार्बन जो कि चार कार्बन का एक एसिड है अब ये चार कार्बन वाला एसिड इस दो कार्बन वाले एसिटाइल को ए के साथ में मिलेगा और क्या बन जाएगा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सिट्रिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सिट्रिक एसिड विच विल बी ऑफ कितना कार्बन फोर प्लस इट विल बी ऑफ सिक्स कार्बन इट विल बी ऑफ सिक्स कार्बन तो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म इन क्रेप कार्बन कंपाउंड। तो पहली स्टेप क्या लिखी है कंडटाइल ग्रोप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वॉटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज इनजाइम अब देखो ये चीज आप याद रखो जो भी स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए अंजाइम विल बी नेसेसरीली रिक्वायर्ड तो फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम है इसका नाम क्या है सिट्रेट को एंजाइम ए मॉलिक्यूल इज अ ए मॉलिक्यूल जो है अ ए यहाँ पे को एंजाइम ए जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है इन द फर्स्ट स्टेप तो डन विद द फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपको जितना याद रखना है एसिटाइल को आएगा साइकिल में एंट्र होगा इट इज अ टू कार्बन कंपाउंड वो कंबाइन करेगा विद ऑक्सैलो एसिड विच इज अ फोर कार्बन कंपाउंड टुगेदर दे विल फॉर्म सिट्रिक एसिड विच इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड विच इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड क्लियर हो गई कहानी तो छह कार्बन वाला एक कंपाउंड बन जाएगा साथ में को इंजाइम ए उस प्रोसेस से रिमूव हो जाएगा नाउ वॉट विल हैपन नेक्स्ट सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होगा इन टू आइसोसिट्रेट तो ये जो है आइसोसिट्रेट वाली बात एन सी आर टी के डायग्राम में नहीं दी गई है ये एक्जैक्टली एन सी आर टी का डायग्राम है तो एन सी आर टी में बीच बीच में कई सारी स्टेप्स को डॉट डॉट करके शो कर दिया है तो मतलब उन्होंने सब बीच के जो कई रिएक्टेंट्स थे वो उड़ा दिए हैं तो आपको भी जरूरत नहीं है याद करने की अभी भी आप उतना ही याद कर लें तो बहुत है

जो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना था सिट्रेट तो बन गया ये बना हुआ है सिट्रिक एसिड सिट्रेट सिट्रेट से क्या बना आइसोसिट्रेट सिट्रेट आइसोसिट्रेट नाउ दिस आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट अल्फा कीटो कीटोग्लूटरिक एसिड इट विल कन्वर्ट अल्फा कीटो कीटोग्लुटैरिक एसिड कितने कार्बन का था ये कार्बन का था बट कीटो कीटोग्लुटरिक एसिड इज ऑफ फाइव कार्बन तो एल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड बना इट इज़ अ फाइव कार्बन कंपाउंड है कार्बन से पांच कार्बन हो गए बताओ मतलब कि कितने कार्बन लॉस हो गए वी हैव लॉस्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल साथ ही साथ में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ एनर्जी इज रिलीज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ए डी एच टू एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एन ए डी एच

डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है तो देखो फोर्थ स्टेप में उसके बाद आप देख पा रहे हो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है तो नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑल इज

तो so, यहाँ भी दो NADH रिलीज हुए थे और यहाँ भी दो एन रिलीज हुए हैं दोनों प्रोसेस में NADH NADH दो दो NADH रिलीज हुए हैं और दो NADH और कहाँ रिलीज हुए थे याद करो तो टू NADH वॉज ऑल्सो रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ जल्दी बोलो जल्दी इन लिंक रिएक्शन कहाँ हुए थे लिंक रिएक्शन में नाउ सक्सिनाइल को एनजाइम ए सिंथेसाइज हो गया है नेक्स्टाइम ए विल कन्वर्ट इन टू एसिड किसमें कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड विद अ प्रोडक्शन ऑफ जीटीपी तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनेगा सक्सिनिक एसिड इज आल्सो अ फोर कार्बन कंपाउंड और साथ में इस प्रोसेस में एक जीटीपी रिलीज होगा जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी जीटीपी जितना एटीपी की एनर्जी उतना ही so, एटीपी की तो यहां पे 2 जीटीपी विल रिलीज क्या होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड ओके नेक्स्ट क्या होगा सक्सिनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड नाउ सब चार चार कार्बन वाले हैं बस वो अपना फॉर्म चेंज करते रहेंगे सक्सिनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड विद द प्रोडक्शन ऑफ एफएडीएच2 नाउ हियर इन दिस प्रोसेस टू एफएडीएच2 विल बी प्रोड्यूस्ड एफएडीएच2 अभी तक एन ए डी एच टू एन ए डी एच टू प्रोड्यूस हो रहे थे नाउ एफ ए डी एच टू विल प्रोड्यूस एंड मैलिक एसिड बन गया ना लास्टली मैलिक एसिड विल रीजेनरेट जनरेट एसिटिक एसिड मैलिक एसिड विल रीजेनरेट जेनरेट एसिटिक एसिड और साथ ही साथ में अगेन टू एन ए डी एच विल बी प्रोड्यूस्ड साथ ही साथ में टू एन ए डी एच विल बी प्रोड्यूस्ड एंड फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया नाउ नेक्स्ट एसिडाइल को मॉलिक्यूल आएगा फिर से वो ऑक्जेलो एसिडिक के साथ कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड बनाएगा सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें? में आइसोसिट्रेट में विद रिलीज ऑफ कुछ भी नहीं कुछ भी रिलीज नहीं होगा देन आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट इन टू एल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड वहाँ पर टू एन ए डी एच टू रिलीज होंगे इट इज द फाइव कार्बन कंपाउंड एल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सेनाइल को फोर कार्बन कंपाउंड साथ में रिलीज होंगे दो टू

टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एफ ई एच टू प्रोड्यूस हुए हैं एंड टू मॉलिक्यूल जी टी पी आर प्रोड्यूस दिस इज द्रेप साइकिल दिस इज एनर्जी हमें गेन हुआ है टोटल गेन तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं टेक्स्ट है एसिड तो

one reactant here one product is converting into another product and releasing some sort of energy oxidation of succinate to fumarate and then to malate and then oxidation of malate to oxaloacetic acid

जीडीपी की बात करें तो सक्सिनाइल को एंजाइम एवन कन्वर्ट इनटू टू एसिड इट विल प्रोड्यूस 2 जी टी पी सो दिस इज द टोटल गेन फ्रॉम क्रेब साइकिल और टी सी साइकिल समझ में आई कहानी पक्का पक्का ठीक है बढ़िया बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो At three points of TCA cycle, NAD+ is reduced to NADH2. ये तीन पॉइंट्स आप मुझे बता दोगे ना? पहला पॉइंट क्या है? पहला point, the first point when किसमें होता होता है होता है कीटो तो तब पे दो अभी जो समझाया था फिर से वही लिख रही हूँ मैं दो एनएडीएच टू प्रोड्यूस होते हैं सेकेंड हम बात करें तो सेकेंड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं वेन एल्फागीटोग एसिड एल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है इंटू सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनाइल ए तब यहाँ पे दो एन टू प्रोड्यूस होते हैं लास्टली व्हेन मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू मैलिक तब यहाँ पे दो एच टू प्रोड्यूस होते हैं तो एट थ्री पॉइंटी प्लस इज रिड्यूस टू एन एट डी पॉइंट एट प्लस इज रिड्यूस टू एफ चीज़ कब हो रही है बताओ मुझे दिस इज वेन सक्सिन एसिड

इट ऑल्सो रिक्वायर्ड रीजनरेशन ऑफ एन ए डी प्लस एंड एफ ए डी प्लस फ्राम एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू तो भैया एन ए डी प्लस और एफ ए डी एच टू भी कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज इनका ही रिडक्शन होके ये एनर्जी इक्वैलेंस हमको ऑप्टेन होते हैं तो so, पूरा जो थीम है टी सी एस साइकिल का वो ये है कि पायरोविक एसिड को तोड़ा एसिटाइल को तोड़ दिया था लिंक रिएक्शन में अब उसको एसिडिक एसिड के साथ मिला के सिट्रेट बनाया फिर अल्फा गिडोग्लुटेरिक एसिड बनाया फिर सक्सिनाइल एसिड बनाया इस तरीके से हम उसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप उसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते रहे और अल्टीमेटली हमको एनर्जी गेन होती गई और हमारा पूरा मकसद ही यही है रेस्पिरेशन करवाने का कि वी वॉन्ट एनर्जी गेन वॉट वी वॉन्ट वी जस्ट वॉन्ट एनर्जी गेन एक बार क्रेब साइकिल डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले वी हैव

पाँच कार्बन के बाद चार कार्बन वाला सक्सिनाइल को इंजाइम याद हो गया तो सक्सेनिक एसिडिक एसिड के बाद फ्यूमरेट या एसिड देन मैलेट या मैलिक एसिड एंड देन या फिर ऑक्सैलिक ऑक्सैलिको एसिडिक एसिड कहानी क्लियर हुई समझ में आई एंड दिस वे द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद गिविंग अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एंड एम आई क्लियर टू यू सो दिस इज एवरी थिंग अबाउट एरोबिक साइकिल एरोबिक रेस्परेशन और द करेब साइकिल तो हमने आज दो स्टेप्स पढ़े इंपॉर्टेंट द लिंक रिएक्शन एंड द क्रेब साइकिल द थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेंज वी विल गोना कवर इन द नेक्स्ट वीडियो तो अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दो और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेपअप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब थैंक यू एंड कीप वॉचिंग